हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी धड़क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड एक बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जानना क्या था, मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया है, मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानर के बारे में कि इस मूवी की जानर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड थ्रिलर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 30 minutes के है, मतलब 2 hours and 30 minutes में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे ईशान कतेर जी, जाह्नवी कपूर, आशुतोष राणा, आदित्य कुमार, श्रीधर वत्सर, अंकित बिश्त, खराज मुखर्जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट के अंदर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDB की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानब से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर की जानब से इस मूवी को 27% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आपको इस मूवी के अंदर डायरेक्टर दिखाई देंगे मिस्टर शशांक खेतन जी। जी हाँ दोस्तों, शशांक खेतन जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर शशांक खेतन जी ही आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले एंड मेन डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर नागराज मंजूले जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अब बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की जो स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी पर बेस्ड की गई थी। तो ये एक ओल्ड मूवी सैरत की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था, जिसकी कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को यहाँ पर आप लोगों के सामने रिक्रिएट किया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर करण जौहर जी, जी स्टूडियोज़, हीरो यश जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर ईशान खटेर जी एंड जाह्नवी कपूर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर विष्णु राव जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर मोनिशा आर बल्दावा जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आल्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर जॉन स्टीवर्ट एडोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक का संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर अजय अतुल जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे यहाँ प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड यीज़ी स्टूडियोज़ एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड जी स्टूडियोज़, थ्रो सिनक्रॉन एंड इंटरटेनमेंट्स एंड PVR पिक्चर्स एंड उसके साथ साथ जी स्टूडियोज़ इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे रिलीज़ डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज़ डेट क्या थी, मीन किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 20 जुलाई 2018 इस मूवी की रिलीज़ डेट थी, मतलब 20 जुलाई 2018 को इस मूवी को नियम रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में। इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 138 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए साल 2018 के अंदर लिया गया था वो था यहाँ पर 41 करोड़ इंडियन रुपीस का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीस का। जी हाँ दोस्तों, 41 करोड़ इंडियन रुपीस लगाकर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीस कमाने वाली एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी धड़क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड एक बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन इस मूवी का जानना क्या था, मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया है, मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जॉनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड थ्रिलर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 30 minutes की है, मतलब 2 hours and 30 minutes में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे ईशान कतेर जी, जाह्नवी कपूर, आशुतोष राणा, आदित्य कुमार, श्रीधर वत्सर, अंकित बिश्त, खराज मुखर्जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट के अंदर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं
इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर की जानब से इस मूवी को 27% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आपको इस मूवी के अंदर डायरेक्टर दिखाई देंगे मिस्टर शशांक खेतन जी। जी हाँ दोस्तों, शशांक खेतन जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में, कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर शशांक खेतन जी ही आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले एंड मेन डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर नागराज मंजूले जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अब बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में, कि इस मूवी की जो स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी पर बेस की गई थी। तो ये एक ओल्ड मूवी सैरत की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था, जिसकी कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को यहाँ पर आप लोगों के सामने रिक्रिएट किया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर करण जौहर जी, जी स्टूडियोज़, हीरो यश जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में, कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। तो यहाँ पर ईशान खटेर जी एंड जाह्नवी कपूर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाई गए। तो यहाँ पर विष्णु राव जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे हैं एडिटर के बारे में, कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर मोनिशा आर बलदावा जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में, कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर जॉन स्टीवर्ट एडोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर अजय अतुल जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में, कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड यीज़ी स्टूडियोज़ एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में, कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड जी स्टूडियोज़, थ्रो सिंक्रॉन एंड इंटरटेनमेंट्स एंड PVR पिक्चर्स एंड उसके साथ साथ जी स्टूडियोज़ इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे रिलीज़ डेट के बारे में, कि इस मूवी की रिलीज़ डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 20 July 2018 इस मूवी की रिलीज़ डेट थी, मतलब 20 July 2018 को इस मूवी को नियम रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में। इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 138 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में, कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैंने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए साल 2018 के अंदर लिया गया था वो था यहाँ पर 41 करोड़ इंडियन रुपीज़ का, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मैंने गेन किया वो था यहाँ पर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 41 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी धड़क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड एक बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जानना क्या था, मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया है, मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानर के बारे में, किस मूवी की जानर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड थ्रिलर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 30 minutes के है, मतलब 2 hours and 30 minutes में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे ईशान कतेर जी, जाह्नवी कपूर, आशुतोष राणा, आदित्य कुमार, श्रीधर वत्सर, अंकित बिश्त, खराज मुखर्जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट के अंदर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDB की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानब से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर की जानब से इस मूवी को 27% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आपको इस मूवी के अंदर डायरेक्टर दिखाई देंगे मिस्टर शशांक खेतन जी। जी हाँ दोस्तों, शशांक खेतन जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में, कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर शशांक खेतन जी ही आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले एंड मेन डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर नागराज मंजूले जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अब बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में, कि इस मूवी की जो स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी पर बेस्ड की गई थी। तो ये एक ओल्ड मूवी सैरत की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था, जिसकी कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को यहाँ पर आप लोगों के सामने रिक्रिएट किया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर करण जौहर जी, जी स्टूडियोज़, हीरो यश जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में, कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर ईशान खटेर जी एंड जाह्नवी कपूर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर विष्णु राव जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे हैं एडिटर के बारे में, कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर मोनिशा आर बल्दावा जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आल्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर जॉन स्टीवर्ट एडोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक का संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर अजय अतुल जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे यहाँ प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड यीज़ी स्टूडियोज़ एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड जी स्टूडियोज़ थ्रो सिनक्रॉन एंड इंटरटेनमेंट्स एंड PVR पिक्चर्स एंड उसके साथ साथ जी स्टूडियोज़ इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 20 जुलाई 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 20 जुलाई 2018 को इस मूवी को नियम रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में। इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 138 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए साल 2018 के अंदर लिया गया था वो था यहाँ पर 41 करोड़ इंडियन रुपीस का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीस का। जी हाँ दोस्तों, 41 करोड़ इंडियन रुपीस लगाकर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीस कमाने वाली एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी धड़क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड एक बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन इस मूवी का जानना क्या था, मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया है, मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जॉनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड थ्रिलर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 30 minutes की है, मतलब 2 hours and 30 minutes में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे ईशान कतेर जी, जाह्नवी कपूर, आशुतोष राणा, आदित्य कुमार, श्रीधर वत्सर, अंकित बिश्त, खराज मुखर्जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट के अंदर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं
इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर की जानब से इस मूवी को 27% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आपको इस मूवी के अंदर डायरेक्टर दिखाई देंगे मिस्टर शशांक खेतन जी। जी हाँ दोस्तों, शशांक खेतन जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में, कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर शशांक खेतन जी ही आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले एंड मेन डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर नागराज मंजूले जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अब बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में, कि इस मूवी की जो स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी पर बेस की गई थी। तो ये एक ओल्ड मूवी सैरत की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था, जिसकी कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को यहाँ पर आप लोगों के सामने रिक्रिएट किया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर करण जौहर जी, जी स्टूडियोज़, हीरो यश जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में, कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। तो यहाँ पर ईशान खटेर जी एंड जाह्नवी कपूर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाई गए। तो यहाँ पर विष्णु राव जी इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली सिनेमेटोग्राफी को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर रहे हैं एडिटर के बारे में, कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर मोनिशा आर बलदावा जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में, कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर जॉन स्टीवर्ट एडोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर अजय अतुल जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में, कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड यीज़ी स्टूडियोज़ एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में, कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड जी स्टूडियोज़, थ्रो सिंक्रॉन एंड इंटरटेनमेंट्स एंड PVR पिक्चर्स एंड उसके साथ साथ जी स्टूडियोज़ इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे रिलीज़ डेट के बारे में, कि इस मूवी की रिलीज़ डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 20 July 2018 इस मूवी की रिलीज़ डेट थी, मतलब 20 July 2018 को इस मूवी को नियम रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में। इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 138 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में, कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उन्होंने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए साल 2018 के अंदर लिया गया था वो था यहाँ पर 41 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 41 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी धड़क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड एक बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जानना क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया है, मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानर के बारे में, किस मूवी की जानर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड थ्रिलर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 30 minutes के है, मतलब 2 hours and 30 minutes में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे ईशान कतेर जी, जाह्नवी कपूर, आशुतोष राणा, आदित्य कुमार, श्रीधर वत्सर, अंकित बिश्त, खराज मुखर्जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट के अंदर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर की जानब से इस मूवी को 27% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आपको इस मूवी के अंदर डायरेक्टर दिखाई देंगे मिस्टर शशांक खेतन जी। जी हाँ दोस्तों, शशांक खेतन जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में, कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर शशांक खेतन जी ही आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले एंड मेन डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर नागराज मंजूले जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अब बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में, कि इस मूवी की जो स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी पर बेस्ड की गई थी। तो ये एक ओल्ड मूवी सैरत की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था, जिसकी कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को यहाँ पर आप लोगों के सामने रिक्रिएट किया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर करण जौहर जी, जी स्टूडियोज़, हीरो यश जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में, कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। तो यहाँ पर ईशान खटेर जी एंड जाह्नवी कपूर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर विष्णु राव जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे हैं एडिटर के बारे में, कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर मोनिशा आर बल्दावा जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर जॉन स्टीवर्ट एडियोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक का संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर अजय अतुल जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड यीज़ी स्टूडियोज़ एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड जी स्टूडियोज़ थ्रो सिनक्रॉन एंड इंटरटेनमेंट्स एंड PVR पिक्चर्स एंड उसके साथ साथ जी स्टूडियोज़ इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 20 जुलाई 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 20 जुलाई 2018 को इस मूवी को नियम रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में। इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 138 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए साल 2018 के अंदर लिया गया था वो था यहाँ पर 41 करोड़ इंडियन रुपीस का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीस का। जी हाँ दोस्तों, 41 करोड़ इंडियन रुपीस लगाकर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीस कमाने वाली एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी धड़क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड एक बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन इस मूवी का जानना क्या था, मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया है, मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जॉनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड थ्रिलर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 30 minutes की है, मतलब 2 hours and 30 minutes में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे ईशान कतेर जी, जाह्नवी कपूर, आशुतोष राणा, आदित्य कुमार, श्रीधर वत्सर, अंकित बिश्त, खराज मुखर्जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट के अंदर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं
इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर की जानब से इस मूवी को 27% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आपको इस मूवी के अंदर डायरेक्टर दिखाई देंगे मिस्टर शशांक खेतन जी। जी हाँ दोस्तों, शशांक खेतन जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में, कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर शशांक खेतन जी ही आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले एंड मेन डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर नागराज मंजूले जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अब बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में, कि इस मूवी की जो स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी पर बेस्ड की गई थी। तो ये एक ओल्ड मूवी सैरत की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था, जिसकी कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को यहाँ पर आप लोगों के सामने रिक्रिएट किया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर करण जौहर जी, जी स्टूडियोज़, हीरो यश जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में, कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। तो यहाँ पर ईशान खटेर जी एंड जाह्नवी कपूर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाई गए। तो यहाँ पर विष्णु राव जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे हैं एडिटर के बारे में, कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर मोनिशा आर बलदावा जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में, कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर जॉन स्टीवर्ट एडोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर अजय अतुल जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में, कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड यीज़ी स्टूडियोज़ एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में, कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड जी स्टूडियोज़, थ्रो सिंक्रॉन एंड इंटरटेनमेंट्स एंड PVR पिक्चर्स एंड उसके साथ साथ जी स्टूडियोज़ इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे रिलीज़ डेट के बारे में, कि इस मूवी की रिलीज़ डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 20 July 2018 इस मूवी की रिलीज़ डेट थी, मतलब 20 July 2018 को इस मूवी को नियम रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में। इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 138 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में, कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उन्होंने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए साल 2018 के अंदर लिया गया था वो था यहाँ पर 41 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 41 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी धड़क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड एक बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जानना क्या था, मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया है, मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जॉनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में, किस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड थ्रिलर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 30 minutes की है, मतलब 2 hours and 30 minutes में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे ईशान कते जी, जाह्नवी कपूर, आशुतोष राणा, आदित्य कुमार, श्रीधर वत्सर, अंकित बिश्त, खराज मुखर्जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट के अंदर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDB की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानव से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर की जानव से इस मूवी को 27% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आपको इस मूवी के अंदर डायरेक्टर दिखाई देंगे मिस्टर शशांक खेतन जी। जी हाँ दोस्तों, शशांक खेतन जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में, कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर शशांक खेतन जी ही आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले एंड मेन डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर नागराज मंजूले जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अब बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में, कि इस मूवी की जो स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी पर बेस्ड की गई थी। तो ये एक ओल्ड मूवी सैरत की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था, जिसकी कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को यहाँ पर आप लोगों के सामने रिक्रिएट किया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर करण जौहर जी, जी स्टूडियोज़, हीरो यश जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में, कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर ईशान खटेर जी एंड जाह्नवी कपूर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर विष्णु राव जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे हैं एडिटर के बारे में, कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर मोनिशा आर बल्दावा जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर जॉन स्टीवर्ट एडोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक का संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर अजय अतुल जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे यहाँ प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड यीज़ी स्टूडियोज़ एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड जी स्टूडियोज़ थ्रो सिनक्रॉन एंड इंटरटेनमेंट्स एंड PVR पिक्चर्स एंड उसके साथ साथ जी स्टूडियोज़ इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 20 जुलाई 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 20 जुलाई 2018 को इस मूवी को नियम रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में। इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 138 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए साल 2018 के अंदर लिया गया था वो था यहाँ पर 41 करोड़ इंडियन रुपीस का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीस का। जी हाँ दोस्तों, 41 करोड़ इंडियन रुपीस लगाकर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीस कमाने वाली एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी धड़क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड एक बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन इस मूवी का जानना क्या था, मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया है, मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जॉनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड थ्रिलर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 30 minutes की है, मतलब 2 hours and 30 minutes में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे ईशान कतेर जी, जाह्नवी कपूर, आशुतोष राणा, आदित्य कुमार, श्रीधर वत्सर, अंकित बिश्त, खराज मुखर्जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट के अंदर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं
इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDB की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानव से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर की जानव से इस मूवी को 27% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आपको इस मूवी के अंदर डायरेक्टर दिखाई देंगे मिस्टर शशांक खेतन जी। जी हाँ दोस्तों, शशांक खेतन जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर शशांक खेतन जी ही आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले एंड मेन डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर नागराज मंजूले जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अब बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की जो स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी पर बेस्ड की गई थी। तो ये एक ओल्ड मूवी सैरत की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था, जिसकी कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को यहाँ पर आप लोगों के सामने रिक्रिएट किया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर करण जौहर जी, जी स्टूडियोज़, हीरो यश जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर ईशान खटेर जी एंड जाह्नवी कपूर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाई गए। तो यहाँ पर विष्णु राव जी इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली सिनेमेटोग्राफी को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर रहे हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर मोनिशा आर बलदावा जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर जॉन स्टीवर्ट एडोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर अजय अतुल जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड यीज़ी स्टूडियोज़ एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड जी स्टूडियोज़, थ्रो सिंक्रॉन एंड इंटरटेनमेंट्स एंड PVR पिक्चर्स एंड उसके साथ साथ जी स्टूडियोज़ इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे रिलीज़ डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज़ डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 20 July 2018 इस मूवी की रिलीज़ डेट थी, मतलब 20 July 2018 को इस मूवी को नियम रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में। इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 138 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उन्होंने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए साल 2018 के अंदर लिया गया था वो था यहाँ पर 41 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 41 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी धड़क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड एक बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जानना क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया है, मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जॉनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में, किस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड थ्रिलर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 30 minutes की है, मतलब 2 hours and 30 minutes में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे ईशान कतेर जी, जाह्नवी कपूर, आशुतोष राणा, आदित्य कुमार, श्रीधर वत्सर, अंकित बिश्त, खराज मुखर्जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट के अंदर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर की जानब से इस मूवी को 27% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आपको इस मूवी के अंदर डायरेक्टर दिखाई देंगे मिस्टर शशांक खेतन जी। जी हाँ दोस्तों, शशांक खेतन जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में, कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर शशांक खेतन जी ही आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले एंड मेन डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर नागराज मंजूले जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अब बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में, कि इस मूवी की जो स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी पर बेस्ड की गई थी। तो ये एक ओल्ड मूवी सैरत की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था, जिसकी कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को यहाँ पर आप लोगों के सामने रिक्रिएट किया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर करण जौहर जी, जी स्टूडियोज़, हीरो यश जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में, कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर ईशान खटेर जी एंड जाह्नवी कपूर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर विष्णु राव जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे हैं एडिटर के बारे में, कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर मोनिशा आर बल्दावा जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर जॉन स्टीवर्ट एडोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक का संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर अजय अतुल जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे यहाँ प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड यीज़ी स्टूडियोज़ एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड जी स्टूडियोज़ थ्रो सिनक्रॉन एंड इंटरटेनमेंट्स एंड PVR पिक्चर्स एंड उसके साथ साथ जी स्टूडियोज़ इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 20 जुलाई 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 20 जुलाई 2018 को इस मूवी को नियम रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में। इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 138 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए साल 2018 के अंदर लिया गया था वो था यहाँ पर 41 करोड़ इंडियन रुपीस का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीस का। जी हाँ दोस्तों, 41 करोड़ इंडियन रुपीस लगाकर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीस कमाने वाली एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी धड़क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड एक बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन इस मूवी का जानना क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया है, मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जॉनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड थ्रिलर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 30 minutes की है, मतलब 2 hours and 30 minutes में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे ईशान कते जी, जाह्नवी कपूर, आशुतोष राणा, आदित्य कुमार, श्रीधर वत्सर, अंकित बिश्त, खराज मुखर्जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट के अंदर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं
इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर की जानब से इस मूवी को 27% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसके लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आपको इस मूवी के अंदर डायरेक्टर दिखाई देंगे मिस्टर शशांक खेतन जी। जी हाँ दोस्तों, शशांक खेतन जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर शशांक खेतन जी ही आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले एंड मेन डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर नागराज मंजूले जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अब बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की जो स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी पर बेस्ड की गई थी। तो ये एक ओल्ड मूवी सैरत की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था, जिसकी कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को यहाँ पर आप लोगों के सामने रिक्रिएट किया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर करण जौहर जी, जी स्टूडियोज़, हीरो यश जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर ईशान खटेर जी एंड जाह्नवी कपूर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाई गए। तो यहाँ पर विष्णु राव जी इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली सिनेमेटोग्राफी को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर रहे हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर मोनिशा आर बलदावा जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर जॉन स्टीवर्ट एडोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर अजय अतुल जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड यीज़ी स्टूडियोज़ एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड जी स्टूडियोज़, थ्रो सिंक्रॉन एंड इंटरटेनमेंट्स एंड PVR पिक्चर्स एंड उसके साथ साथ जी स्टूडियोज़ इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 20 July 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 20 July 2018 को इस मूवी को नियम रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में। इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 138 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उन्होंने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए साल 2018 के अंदर लिया गया था वो था यहाँ पर 41 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 41 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी धड़क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड एक बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जानना क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया है, मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानर के बारे में, किस मूवी की जानर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड थ्रिलर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में, क्या इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 30 minutes के है, मतलब 2 hours and 30 minutes में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे ईशान कतेर जी, जाह्नवी कपूर, आशुतोष राणा, आदित्य कुमार, श्रीधर वत्सर, अंकित बिश्त, खराज मुखर्जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट के अंदर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर की जानब से इस मूवी को 27% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आपको इस मूवी के अंदर डायरेक्टर दिखाई देंगे मिस्टर शशांक खेतन जी। जी हाँ दोस्तों, शशांक खेतन जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में, कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर शशांक खेतन जी ही आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले एंड मेन डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर नागराज मंजूले जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अब बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में, कि इस मूवी की जो स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी पर बेस्ड की गई थी। तो ये एक ओल्ड मूवी सैरत की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था, जिसकी कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को यहाँ पर आप लोगों के सामने रिक्रिएट किया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर करण जौहर जी, जी स्टूडियोज़, हीरो यश जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में, कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर ईशान खटेर जी एंड जाह्नवी कपूर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर विष्णु राव जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे हैं एडिटर के बारे में, कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर मोनिशा आर बल्दावा जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर जॉन स्टीवर्ट एडोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक का संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर अजय अतुल जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे यहाँ प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड यीज़ी स्टूडियोज़ एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड जी स्टूडियोज़ थ्रो सिनक्रॉन एंड इंटरटेनमेंट्स एंड PVR पिक्चर्स एंड उसके साथ साथ जी स्टूडियोज़ इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 20 जुलाई 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 20 जुलाई 2018 को इस मूवी को नियम रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में। इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 138 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए साल 2018 के अंदर लिया गया था वो था यहाँ पर 41 करोड़ इंडियन रुपीस का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीस का। जी हाँ दोस्तों, 41 करोड़ इंडियन रुपीस लगाकर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीस कमाने वाली एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी धड़क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड एक बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन इस मूवी का जानना क्या था, मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया है, मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जॉनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड थ्रिलर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 30 minutes की है, मतलब 2 hours and 30 minutes में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे ईशान कतेर जी, जाह्नवी कपूर, आशुतोष राणा, आदित्य कुमार, श्रीधर वत्सर, अंकित बिश्त, खराज मुखर्जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट के अंदर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं
इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDB की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानब से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर की जानब से इस मूवी को 27% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आपको इस मूवी के अंदर डायरेक्टर दिखाई देंगे मिस्टर शशांक खेतन जी। जी हाँ दोस्तों, शशांक खेतन जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर शशांक खेतन जी ही आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले एंड मेन डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर नागराज मंजूले जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अब बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की जो स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी पर बेस्ड की गई थी। तो ये एक ओल्ड मूवी सैरत की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था, जिसकी कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को यहाँ पर आप लोगों के सामने रिक्रिएट किया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर करण जौहर जी, जी स्टूडियोज़, हीरो यश जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर ईशान खटेर जी एंड जाह्नवी कपूर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाई गए। तो यहाँ पर विष्णु राव जी इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली सिनेमेटोग्राफी को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर रहे हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर मोनिशा आर बलदावा जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर जॉन स्टीवर्ट एडोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर अजय अतुल जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड यीज़ी स्टूडियोज़ एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड जी स्टूडियोज़, थ्रो सिंक्रॉन एंड इंटरटेनमेंट्स एंड PVR पिक्चर्स एंड उसके साथ साथ जी स्टूडियोज़ इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे रिलीज़ डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज़ डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 20 July 2018 इस मूवी की रिलीज़ डेट थी, मतलब 20 July 2018 को इस मूवी का नियम रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में। इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 138 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उन्होंने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए साल 2018 के अंदर लिया गया था वो था यहाँ पर 41 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 41 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी धड़क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड एक बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जानना क्या था, मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया है, मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जॉनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में, किस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड थ्रिलर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 30 minutes के है, मतलब 2 hours and 30 minutes में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे ईशान कतेर जी, जाह्नवी कपूर, आशुतोष राणा, आदित्य कुमार, श्रीधर वत्सर, अंकित बिश्त, खराज मुखर्जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट के अंदर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानव से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर की जानव से इस मूवी को 27% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आपको इस मूवी के अंदर डायरेक्टर दिखाई देंगे मिस्टर शशांक खेतन जी। जी हाँ दोस्तों, शशांक खेतन जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में, कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर शशांक खेतन जी ही आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले एंड मेन डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर नागराज मंजूले जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अब बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में, कि इस मूवी की जो स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी पर बेस्ड की गई थी। तो ये एक ओल्ड मूवी सैरत की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था, जिसकी कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को यहाँ पर आप लोगों के सामने रिक्रिएट किया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर करण जौहर जी, जी स्टूडियोज़, हीरो यश जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में, कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर ईशान खटेर जी एंड जाह्नवी कपूर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में, कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर विष्णु राव जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे हैं एडिटर के बारे में, कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर मोनिशा आर बल्दावा जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर जॉन स्टीवर्ट एडोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक का संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर अजय अतुल जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे यहाँ प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड यीज़ी स्टूडियोज़ एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड जी स्टूडियोज़ थ्रो सिनक्रॉन एंड इंटरटेनमेंट्स एंड PVR पिक्चर्स एंड उसके साथ साथ जी स्टूडियोज़ इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 20 जुलाई 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 20 जुलाई 2018 को इस मूवी को नियम रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में। इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 138 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए साल 2018 के अंदर लिया गया था वो था यहाँ पर 41 करोड़ इंडियन रुपीस का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीस का। जी हाँ दोस्तों, 41 करोड़ इंडियन रुपीस लगाकर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीस कमाने वाली एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी धड़क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड एक बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन इस मूवी का जानना क्या था, मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया है, मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जॉनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड थ्रिलर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 30 minutes की है, मतलब 2 hours and 30 minutes में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे ईशान कतेर जी, जाह्नवी कपूर, आशुतोष राणा, आदित्य कुमार, श्रीधर वत्सर, अंकित बिश्त, खराज मुखर्जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट के अंदर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं
इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर की जानब से इस मूवी को 27% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसके लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आपको इस मूवी के अंदर डायरेक्टर दिखाई देंगे मिस्टर शशांक खेतन जी। जी हाँ दोस्तों, शशांक खेतन जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर शशांक खेतन जी ही आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले एंड मेन डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर नागराज मंजूले जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अब बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की जो स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी पर बेस्ड की गई थी। तो ये एक ओल्ड मूवी सैरत की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था, जिसकी कंप्लीटली स्टोरी लाइन को यहाँ पर आप लोगों के सामने रिक्रिएट किया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर करण जौहर जी, जी स्टूडियोज़, हीरो यश जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। तो यहाँ पर ईशान खटेर जी एंड जाह्नवी कपूर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाई गए। तो यहाँ पर विष्णु राव जी इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली सिनेमेटोग्राफी को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर मोनिशा आर बलदावा जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर जॉन स्टीवर्ट एडोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक का संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर अजय अतुल जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड यीज़ी स्टूडियोज़ एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड जी स्टूडियोज़, थ्रो सिंक्रॉन एंड इंटरटेनमेंट्स एंड PVR पिक्चर्स एंड उसके साथ साथ जी स्टूडियोज़ इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 20 जुलाई 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 20 जुलाई 2018 को इस मूवी का नियम रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में। इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 138 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उन्होंने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए साल 2018 के अंदर लिया गया था वो था यहाँ पर 41 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 41 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी धड़क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड एक बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जानना क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया है, मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानर के बारे में, किस मूवी की जानर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड थ्रिलर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 30 minutes की है, मतलब 2 hours and 30 minutes में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे ईशान कतेर जी, जाह्नवी कपूर, आशुतोष राणा, आदित्य कुमार, श्रीधर वत्सर, अंकित बिश्त, खराज मुखर्जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट के अंदर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर की जानब से इस मूवी को 27% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आपको इस मूवी के अंदर डायरेक्टर दिखाई देंगे मिस्टर शशांक खेतन जी। जी हाँ दोस्तों, शशांक खेतन जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में, कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर शशांक खेतन जी ही आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले एंड मेन डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर नागराज मंजूले जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अब बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में, कि इस मूवी की जो स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी पर बेस्ड की गई थी। तो ये एक ओल्ड मूवी सैरत की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था, जिसकी कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को यहाँ पर आप लोगों के सामने रिक्रिएट किया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर करण जौहर जी, जी स्टूडियोज़, हीरो यश जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में, कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। तो यहाँ पर ईशान खटेर जी एंड जाह्नवी कपूर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर विष्णु राव जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे हैं एडिटर के बारे में, कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर मोनिशा आर बल्दावा जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर जॉन स्टीवर्ट एडोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक का संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर अजय अतुल जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे यहाँ प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड यीज़ी स्टूडियोज़ एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड जी स्टूडियोज़ थ्रो सिनक्रॉन एंड इंटरटेनमेंट्स एंड PVR पिक्चर्स एंड उसके साथ साथ जी स्टूडियोज़ इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 20 जुलाई 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 20 जुलाई 2018 को इस मूवी को नियम रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में। इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 138 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए साल 2018 के अंदर लिया गया था वो था यहाँ पर 41 करोड़ इंडियन रुपीस का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीस का। जी हाँ दोस्तों, 41 करोड़ इंडियन रुपीस लगाकर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीस कमाने वाली एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी धड़क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड एक बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन इस मूवी का जानना क्या था, मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया है, मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जॉनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड थ्रिलर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 30 minutes की है, मतलब 2 hours and 30 minutes में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे ईशान कते जी, जाह्नवी कपूर, आशुतोष राणा, आदित्य कुमार, श्रीधर वत्सर, अंकित बिश्त, खराज मुखर्जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट के अंदर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं
इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर की जानब से इस मूवी को 27% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आपको इस मूवी के अंदर डायरेक्टर दिखाई देंगे मिस्टर शशांक खेतन जी। जी हाँ दोस्तों, शशांक खेतन जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर शशांक खेतन जी ही आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले एंड मेन डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर नागराज मंजूले जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अब बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की जो स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी पर बेस्ड की गई थी। तो ये एक ओल्ड मूवी सैरत की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था, जिसकी कंप्लीटली स्टोरी लाइन को यहाँ पर आप लोगों के सामने रिक्रिएट किया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर करण जौहर जी, जी स्टूडियोज़, हीरो यश जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर ईशान खटेर जी एंड जाह्नवी कपूर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाई गए। तो यहाँ पर विष्णु राव जी इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली सिनेमेटोग्राफी को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर रहे हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर मोनिशा आर बलदावा जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर जॉन स्टीवर्ट एडोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर अजय अतुल जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड यीज़ी स्टूडियोज़ एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड जी स्टूडियोज़, थ्रो सिंक्रॉन एंड इंटरटेनमेंट्स एंड PVR पिक्चर्स एंड उसके साथ साथ जी स्टूडियोज़ इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 20 जुलाई 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 20 जुलाई 2018 को इस मूवी को नियम रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में। इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 138 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उन्होंने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए साल 2018 के अंदर लिया गया था वो था यहाँ पर 41 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 41 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी धड़क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड एक बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जानना क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया है, मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानर के बारे में, किस मूवी की जानर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड थ्रिलर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 30 minutes के है, मतलब 2 hours and 30 minutes में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे ईशान कतेर जी, जाह्नवी कपूर, आशुतोष राणा, आदित्य कुमार, श्रीधर वत्सर, अंकित बिश्त, खराज मुखर्जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट के अंदर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDB की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानब से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर की जानब से इस मूवी को 27% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आपको इस मूवी के अंदर डायरेक्टर दिखाई देंगे मिस्टर शशांक खेतन जी। जी हाँ दोस्तों, शशांक खेतन जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में, कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर शशांक खेतन जी ही आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले एंड मेन डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर नागराज मंजूले जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अब बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में, कि इस मूवी की जो स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी पर बेस्ड की गई थी। तो ये एक ओल्ड मूवी सैरत की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था, जिसकी कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को यहाँ पर आप लोगों के सामने रिक्रिएट किया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर करण जौहर जी, जी स्टूडियोज़, हीरो यश जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में, कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर ईशान खटेर जी एंड जाह्नवी कपूर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर विष्णु राव जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे हैं एडिटर के बारे में, कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर मोनिशा आर बल्दावा जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर जॉन स्टीवर्ट एडोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक का संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर अजय अतुल जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे यहाँ प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड यीज़ी स्टूडियोज़ एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड जी स्टूडियोज़, थ्रो सिनक्रॉन एंड इंटरटेनमेंट्स एंड PVR पिक्चर्स एंड उसके साथ साथ जी स्टूडियोज़ इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 20 जुलाई 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 20 जुलाई 2018 को इस मूवी को नियम रिलीज किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में। इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 138 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए साल 2018 के अंदर लिया गया था वो था यहाँ पर 41 करोड़ इंडियन रुपीस का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीस का। जी हाँ दोस्तों, 41 करोड़ इंडियन रुपीस लगाकर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीस कमाने वाली एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो जरूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी धड़क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड एक बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन इस मूवी का जानना क्या था, मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया है, मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जॉनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड थ्रिलर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 30 minutes की है, मतलब 2 hours and 30 minutes में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे ईशान कतेर जी, जाह्नवी कपूर, आशुतोष राणा, आदित्य कुमार, श्रीधर वत्सर, अंकित बिश्त, खराज मुखर्जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट के अंदर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं
इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDB की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानव से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर की जानव से इस मूवी को 27% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आपको इस मूवी के अंदर डायरेक्टर दिखाई देंगे मिस्टर शशांक खेतन जी। जी हाँ दोस्तों, शशांक खेतन जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर शशांक खेतन जी ही आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले एंड मेन डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर नागराज मंजूले जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अब बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की जो स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी पर बेस्ड की गई थी। तो ये एक ओल्ड मूवी सैरत की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था, जिसकी कंप्लीटली स्टोरी लाइन को यहाँ पर आप लोगों के सामने रिक्रिएट किया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर करण जौहर जी, जी स्टूडियोज़, हीरो यश जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर ईशान खटेर जी एंड जाह्नवी कपूर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाई गए। तो यहाँ पर विष्णु राव जी इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली सिनेमेटोग्राफी को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर रहे हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर मोनिशा आर बलदावा जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर जॉन स्टीवर्ट एडोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर अजय अतुल जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड यीज़ी स्टूडियोज़ एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड जी स्टूडियोज़, थ्रो सिंक्रॉन एंड इंटरटेनमेंट्स एंड PVR पिक्चर्स एंड उसके साथ साथ जी स्टूडियोज़ इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे रिलीज़ डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज़ डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 20 July 2018 इस मूवी की रिलीज़ डेट थी, मतलब 20 July 2018 को इस मूवी को नियम रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में। इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 138 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उन्होंने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए साल 2018 के अंदर लिया गया था वो था यहाँ पर 41 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 41 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी धड़क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड एक बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जानना क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया है, मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जॉनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में, किस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड थ्रिलर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में, इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 30 minutes की है, मतलब 2 hours and 30 minutes में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे ईशान कतेर जी, जाह्नवी कपूर, आशुतोष राणा, आदित्य कुमार, श्रीधर वत्सर, अंकित बिश्त, खराज मुखर्जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट के अंदर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDB की जानव से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDB की जानव से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDB की जानव से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर की जानव से इस मूवी को 27% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया, यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आपको इस मूवी के अंदर डायरेक्टर दिखाई देंगे मिस्टर शशांक खेतन जी। जी हाँ दोस्तों, शशांक खेतन जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में, कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर शशांक खेतन जी ही आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले एंड मेन डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में, कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर नागराज मंजूले जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अब बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में, कि इस मूवी की जो स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी पर बेस्ड की गई थी। तो ये एक ओल्ड मूवी सैरत की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था, जिसकी कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को यहाँ पर आप लोगों के सामने रिक्रिएट किया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में, कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर करण जौहर जी, जी स्टूडियोज़, हीरो यश जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में, कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर ईशान खटेर जी एंड जाह्नवी कपूर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में, कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमाटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर विष्णु राव जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर रहे हैं एडिटर के बारे में, कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर मोनिशा आर बल्दावा जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर जॉन स्टीवर्ट एडोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक का संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर अजय अतुल जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे यहाँ प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड यीज़ी स्टूडियोज़ एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड जी स्टूडियोज़ थ्रो सिनक्रॉन एंड इंटरटेनमेंट्स एंड PVR पिक्चर्स एंड उसके साथ साथ जी स्टूडियोज़ इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 20 जुलाई 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 20 जुलाई 2018 को इस मूवी को नियम रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में। इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 138 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए साल 2018 के अंदर लिया गया था वो था यहाँ पर 41 करोड़ इंडियन रुपीस का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीस का। जी हाँ दोस्तों, 41 करोड़ इंडियन रुपीस लगाकर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीस कमाने वाली एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी धड़क को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड एक बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन इस मूवी का जानना क्या था, मूवी के टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया है, मतलब कितने पैसे लगाए गए इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या रेटिंग्स रही, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड ये रिजल्ट आप लोगों के सामने शो ऑफ हुए। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के जॉनर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको रोमांटिक एंड थ्रिलर सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन अराउंड अबाउट 2 hours and 30 minutes की है, मतलब 2 hours and 30 minutes में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे ईशान कतेर जी, जाह्नवी कपूर, आशुतोष राणा, आदित्य कुमार, श्रीधर वत्सर, अंकित बिश्त, खराज मुखर्जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट के अंदर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं
इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी की क्या क्या रेटिंग्स रही, मीन लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग्स मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर की जानब से इस मूवी को 27% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर आपको इस मूवी के अंदर डायरेक्टर दिखाई देंगे मिस्टर शशांक खेतन जी। जी हाँ दोस्तों, शशांक खेतन जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर शशांक खेतन जी ही आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले एंड मेन डायलॉग्स को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर नागराज मंजूले जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को राइट किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अब बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की जो स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी पर बेस्ड की गई थी। तो ये एक ओल्ड मूवी सैरत की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था, जिसकी कंप्लीटली स्टोरी लाइन को यहाँ पर आप लोगों के सामने रिक्रिएट किया गया था। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर करण जौहर जी, जी स्टूडियोज़, हीरो यश जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर ईशान खटेर जी एंड जाह्नवी कपूर जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के कम्प्लीटली स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाई गए। तो यहाँ पर विष्णु राव जी इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली सिनेमेटोग्राफी को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर रहे हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर मोनिशा आर बलदावा जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर जॉन स्टीवर्ट एडोरी जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर अजय अतुल जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड यीज़ी स्टूडियोज़ एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड जी स्टूडियोज़, थ्रो सिंक्रॉन एंड इंटरटेनमेंट्स एंड PVR पिक्चर्स एंड उसके साथ साथ जी स्टूडियोज़ इंटरनेशनल आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 20 July 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 20 July 2018 को इस मूवी का नियम रिलीज़ किया गया इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में। इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 138 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करें तो। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उन्होंने कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए साल 2018 के अंदर लिया गया था वो था यहाँ पर 41 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 41 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 110.11 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बस आसानी पहुँचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।